चलो जी हमारा सफर शुरू होता है, सफर उर्दू वाला ना कि अंग्रेजी वाला, उर्दू अंग्रेजी दोनों वाला सफर है। जी जी मेरे साथ गाड़ी में है सबा कमर, तालियां हरीम फारूक और मुनी भट्ट, तीन हमारे आने वाले ड्रामे के बहुत अहम किरदार, और बहुत सी बातें करनी है। Sabah, of course, is embodies women empowerment, and she's such a trailblazer in all the roles that she's taken in her career. Hareem bhi aise hi raste pe chal rahi hain aur bahut hi empowering kism ke roles karti hain aur zabardast inke drama hote hain. Muneeb jo hai wo main hamesha shohar hota hu jiski ji ji bahut sari biwiyon ka shohar, bahut sari biwiyon ka aise shohar hote hain jo aksar bahut peetne bhi hain biwiyon ko, kyun pyar bhi karte hain, प्यार भी करते हैं, लेकिन ये जो ये कैरेक्टर है आपका इस ड्रामे में जी, ये इतना कोई इंप्रेसिव है और इतना कोई ग्राउंड ब्रेकिंग है हमारे लिए, आपको इस कैरेक्टर में देखा नहीं पहले? जी मैंने क्योंकि मैंने पहले कभी किया नहीं, मैं मुनीब को बहुत नॉन सीरियस था, ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं सच बोल रही हूँ, मुझे लगता था कि नहीं नहीं क्योंकि मुझे लगता था कि मुनीब बड़ा ना लाइक हीरो हीरो और गुडी गुडी कैरेक्टर्स, पर कैरेक्टर्स करने वाला एक्टर है, अगर अच्छा डायरेक्टर और अच्छे कैरेक्टर्स मिले, हम सब एक्टर्स आई थिंक हमें है कि हमें अच्छी टीम अच्छे लोग मिले तो हम सब अपना, ये मेरा नहीं है टैक्सी, एक टास्क है इसके बारे में बाद में बताऊंगी, ये वो टैक्सी है जो आप महीने से चला रही हैं, मत पूछिए आप ना, तो यू आर ऑब्वियसली अ रियली गुड ड्राइवर, यस आई एम, यस आई एम, नो गाइस आई एम, अच्छा आप लोग ऐसे रिएक्ट करें जैसे पता नहीं है, इस टैक्सी के गियर ऐसे हैं बेटा ना कर खुदा का वास्ता, ये 70 की टैक्सी है और सुना है कि ब्रेक, अरे आ तू आ जा बेटा, ये नहीं है इसके साइड मिरर नहीं है, इसकी ब्रेक इतनी रिस्की है, ओह माय गॉड वेट, मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी कि जी हम कहीं पार्क करते हैं, अब आप सोचे नहीं मैं पार्क कर रही हूं, अब आप ये सोचे कि इसमें मैंने पूरा प्रोजेक्ट किया पूरा एक महीना, हां लाइक दिसंबर जिसमें लोग वेकेशन पे जाते हैं, कमाल है, बट आल्सो कमाल भी, बट हाउ एक्साइटिंग, फर्क हट के किसी यू नो रूटीन से हटके, ये रूटीन से बिल्कुल हटके, जब ये मुझे कैरेक्टर मिला हम ना मैं आपको खड़े होके पार्क करके आराम से बताते हैं, अरे भाई बंद हो जा, हाँ हाँ सही, मुझे अब इसका समझ आ रही है, बसंती सुकून में आ गई, तो बसंती अब सुकून में आ गई, तो जब मुझे कैरेक्टर मिला मैं बहुत एक्साइटेड थी, मैंने कहा सब कर लिया बस टैक्सी ड्राइवर का कैरेक्टर नहीं किया, मैं बड़ी खुशी खुशी ना वो बच्चे बस्ता बंद करके आते हैं लाहौर से उठ के फ्लाइट लेके, आई लव इट, आई एम इन, आई एम गोना डू इट, आई एम गोना किल इट, यू आर गोना लव इट, सुबह का मैंने पहुँच के सुबह 5 बजे की कॉल, 6 बजे सेट पे, 7 o'clock कैमरा रोल, और शाम तक बैटरी मेरी लो, बिकॉज ये जिसके स्टेयरिंग है और ये जिसके गए हैं वो ऐसे जैसे मेरे मसल्स बन गए, प्रॉपर मसल्स, सेकेंड डे मुझे था आई वांट टू गो होम, आई एम डन, आई एम टायर्ड, यस एक दिन में, एक दिन में मेरी बस हो गई, तो उस दिन के बाद से टैक्सी ड्राइवर्स की इज्जत मेरे दिल में बढ़ गई, जहाँ भी कोई ड्राइवर मिलता तो मैं झुक कर सलाम करती, जबकि यू आर यूज्ड टू डिफिकल्ट शूट्स, आई मीन कमली में भी अपने घुटने छुटने तो थोड़ा आ गए, यू लर्न हाउ टू स्विम, बट इसके लिए गाड़ी तो पहले आती थी, ये जैसे कमली मेरे लिए मुश्किल थी, ये भी उतना ही मुश्किल था, ये कैरेक्टर ये बहुत मुश्किल था, फिजिकली मेंटली ड्रेनिंग था बहुत ज्यादा, लेकिन बड़ा मजा आया। अच्छा मिनी सीरीज है, 6 एपिसोड्स, स्पेशल एपिसोड्स, सबकी अपनी अपनी कहानी है, अच्छा मेरे से कहानी शुरू होती है, मेरी फैमिली है जिसमें एक भाई है जहाँ बाप ने भाई को पढ़ाया है, जैसे हमारे यहाँ होता है खवातीन थोड़ी सी इग्नोर हो जाती हैं बच्चियाँ स्पेशली काफ़ी, लेकिन मुझे लगता है कि हाँ मैं जेंडर की बात नहीं करी, चाहे मेल हो फीमेल हो, तालीम बहुत इम्पॉर्टेंट है, एजुकेशन गिव्स यू कॉन्फिडेंस, वो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, आप जनरेशन को कैसे ट्रेन करोगे, उन्हें कैसे सिखाओगे, एक औरत अगर घर में है, मर्द अगर बाहर काम कर रहा है, उसके बिजनेस के लिए तालीम इम्पॉर्टेंट है, तो उस औरत के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है जो घर में बच्चे पाल रही है, वो बच्चे जो कल को सोसाइटी का हिस्सा बनेंगे, बिल्कुल, तो यहाँ जब बाबा को कुछ होता है वो बिस्तर पे आ जाते हैं तो भाई तो कहते हैं मेरे पास तो डिग्री है मैं क्या टैक्सी चलाऊंगा, उसके लिए एक शर्म का मकाम होता है कि मैं ये क्यों करूँ, तो ये फिर उठाती है चाबी कि फिर बाप को कहती है कि अगर आपने मुझे पढ़ाया, वो प्रोमो पे भी शॉट लगाया उन्होंने, क्या आपने मुझे पढ़ाया होता ना तो मैं कोई अच्छी जॉब करती, बट आज भी मुझे कोई इसमें कोई आर फील नहीं कर रही है कि मेरे बाप ने जो सारी ज़िंदगी काम किया है, क्योंकि काम कोई छोटा नहीं होता, कोई बुरा नहीं होता, वो तो हम उसको छोटा बड़ा बनाते हैं, उसे डिफाइन करते हैं। आपको क्या ख्याल है औरत का क्या मकाम है सोसाइटी में? औरत का बड़ा खूबसूरत मकाम है सोसाइटी में, बस रिक्वेस्ट इस प्रोजेक्ट के थ्रू और सारी ज़िंदगी जो जंग कह लें या बहस कह लें वो यही है कि जो इज्जत डिज़र्व करते हैं, जो
जो मकाम हासिल करना चाहती है और हासिल भी क्यों करना चाहती है, जो डिजर्व करती है वो उसको दे दे, वो काफी है. आई एम नॉट सेइंग कि इक्वालिटी चाहिए, इक्वल राइट्स चाहिए, बट राइट्स वैल्यूज जो है वो चाहिए, क्यों नहीं चाहिए? ऑफ कोर्स, या कायनात में रंग इन दैट, बेशक बेशक बिल्कुल. तो जो एक्सेप्टेंस है, एक्सेप्ट कर लें. ये जो लड़ाई है, मुझे ये लड़ाई समझ नहीं आती कि औरत और मर्द की जो लड़ाई है, मर्द को ऐसा लग रहा है औरत अपने इक्वल राइट्स मांग रही है, औरत को यहाँ ऐसा नहीं है, वो आपकी हेल्प करना चाह रही है और अपनी भी, वो अपनी हेल्प, वो अपनी अपने मुआशरे को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना चाह रही है, वो आपकी स्ट्रेंथ बनना चाह रही है. सिर्फ आपको समझना है इसी स्टोरी के, इसी मैसेज के ऊपर. वन थिंग, इक्वल राइट्स इज अ कंप्लीटली डिफरेंट कांसेप्ट. हम ये शीज एब्सोल्युटली राइट, एक जंग सी बना दी नहीं, उसको उसको डिफरेंशिएट जिस तरह से किया जा रहा है, उसको जो शक्ल दे दी गई है, दिस इज रॉन्ग, इट्स वेरी रॉन्ग. क्या आप, हम फेमिनिस्ट फेमिनिस्ट एक वो चल गई है, औरत मार्च और दूसरा, मतलब भाई अगर अगर आप सोचो तो आपके हक में बेहतर है. मैं आपके साथ हूं, आप समझ रहे हैं, फॉर पार्टी चेंज कर लीजिए. अगर देखा जाए औरत तो मर्द का साथ देने के लिए लड़ रही है. 110% आपके साथ. आपको मैं कहती हूँ मत लड़ो भाई, ठीक है मर्द तुम करो, सारी जिम्मेदारियां तुम ही पूरी करो. एज अ वुमन, मैं सबसे ये सवाल पूछूंगी, एज अ वुमन, नॉट यू पर्सनली, एज अ वुमन, बट एज अ वुमन, व्हाट इज द बिगेस्ट चैलेंज आपको अपनी जिंदगी में, अपनी पर्सनल लाइफ में एक औरत होते हुए सबसे बड़ा चैलेंज क्या फेस करना पड़ा? इज्जत का ख्याल. वो इज्जत मुझे ना उसकी डेफिनेशन आज तक समझ नहीं आई कि क्या है. हम इज्जत किसे कहते हैं? वो औरत जब घर से बाहर काम करने जा रही है, जब पैसा कमा कर ला रही है तो ठीक लग रही है, पर वही औरत जब अपनी लाइफ जीने के लिए बाहर निकलती है, जब उसका मी टाइम होता है, तो सबको इज्जत क्यों याद आ जाती है? तो क्यों नहीं लगता कि उसकी अपनी भी कोई लाइफ है, बहुत भी एक उसकी उस हाँ उसकी डिजायर्स हैं, उसकी जिंदगी की एम है, एम्बिशन है, उसके बारे में कभी किसी ने नहीं सोचा. सो ये कांस्टेंट जंग है जो मुझे लगता है कि मैं एवरीडे मैं तो उसको फेस और एज एन एक्टर बढ़ जाता है और भी बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती है. हमारे पास गलती का मार्जिन नहीं है. हम कोई बात करेंगे, हम फरिश्ते तो नहीं, हम इंसान हैं, इंसानों से गलतियाँ होती हैं, लेकिन हमारी गलती की एक्सेप्टेंस थोड़ी सी कम है. व्हाट अबाउट यू रीमा, आपको क्या लगता है आपकी जिंदगी में as a woman सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहा है? I think she's actually said it very well, Sabha, it is about the reputation as well, लेकिन उससे भी ज्यादा एक औरतों के ऊपर जो लगाया जाता है ना कि लोग क्या कहेंगे. या लोग क्या कहेंगे, जिस मोमेंट आप कुछ सोचते हैं, कोई भी औरत, ये हम सब फेस कर रहे हैं, हां, कि वो सोचती है कि कहती है कि हां मैंने कुछ करना है, ऐसी बात नहीं है कि मर्दों के लिए भी है. हां बिल्कुल ऐसे ही है, एक यूनैनिमस चीज है, प्रेशर है, बट औरतों पे ना बकायदा एक उसको दबा दिया जाता है कि आप, क्योंकि आप घर की इज्जत बना दी जाती है ना. अब जब वही वाली बात है कि इज्जत में क्या क्या आता है, क्या, व्हाट ऑल इज देयर, एज लॉन्ग एज शी इज अर्निंग फॉर यू शी इज फाइन, बट द मोमेंट शी स्टॉप्स एंड वांट्स टू डू समथिंग ऑफ हर ओन, तो फिर लोग क्या कहेंगे. सो आई थिंक दिस इज वन थिंग दैट अ लॉट ऑफ टाइम्स, जिसकी वजह से मुझे बाकी लोगों के साथ खासतौर पर बहुत फेस करना पड़ा कि यू नो यू आर बिट टू डेयरिंग, यू आर बिट टू बोल्ड,